वहां भी देखिए नोट 3 के सॉफ्टवेयर सर रन कर रहे हैं और क्या लगाया है, ये सीपीयू। और जब सर से मैंने पूछा ये सीपीयू का स्पेसिफिकेशन क्या है i7, बोले नहीं ये i3 का स्पेसिफिकेशन है और 2 साल पुराना है। आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा मिथक है। अच्छा। ये एक सबसे बड़ा एक झूठ फैलाया हुआ है कि OBS के बिना 4K पैनल नहीं है। हाँ। ये CPU है, ये 2 साल पुराना है, जो कि हमारे जो सिंपल प्रोजेक्टर और डिजिटल बोर्ड हुआ करते थे उसमें लगता था, बस वहीं से खोल के इसको यहाँ पे लगा दिया। ओके। हेलो हाय नमस्ते, आज मैं स्कूल में हूँ, राजस्थान के स्कूल में, एरुडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग में, जिसका ब्लॉग मैंने पूरा बना लिया है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्लासरूम मिला मुझे, जहाँ पे सर ने स्टूडियो बनाया है। देखिए ये पूरा व्यू आ रहा है, यानी फ्यूचर में अब टीचर यहाँ पे पढ़ाएंगे, शायद सर इसका रिकॉर्डिंग करने वाले हैं या यूट्यूब पे पढ़ाने वाले, जो भी करने वाले सर से पूछते हैं। और एक अच्छी बात यहाँ पे और लगा, जहाँ लोग महंगा महंगा इक्विपमेंट खरीदने बिलीव रखते हैं और बोलते हैं भैया हमें OPS दो, वहाँ भी देखिए नोट 3 का सॉफ्टवेयर सर रन कर रहे हैं और क्या लगाया है, ये CPU। और जब सर से मैंने पूछा ये CPU का स्पेसिफिकेशन क्या है i7, बोले नहीं ये i3 का स्पेसिफिकेशन है और 2 साल पुराना है। जो ये प्रोजेक्टर में लगाया करते थे वही CPU अपने 4K पैनल में लगा दिए बेंचमार्क के, ये एंड्रॉयड वाला। और 65 इंच का है डिस्प्ले, 75-86 में नहीं गए, 65 इंच लगा के प्रोजेक्टर रिप्लेस करके पढ़ाना शुरू कर दिया, कैमरा लगा के स्टूडियो काम शुरू कर दिया। अब बच्चे जो टीचर जो पढ़ाएंगे वो अब रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। और ये CPU में सर ये लैग वगैरह तो नहीं करता? सर ये मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा मिथक है। अच्छा। ये एक सबसे बड़ा एक झूठ फैलाया हुआ है कि OBS के बिना 4K पैनल नहीं है। हाँ। ये CPU है, ये 2 साल पुराना है, जो कि हमारे जो सिंपल प्रोजेक्टर और डिजिटल बोर्ड हुआ करते थे उसमें लगता था, बस वहीं से खोल के इसको यहाँ पे लगा दिया। ओके। और ये i3 है, ऐसा हाँ। भी नहीं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कोई बहुत बड़ा है। हाँ। जनरल i3 है और 4GB वाला इसमें रैम और रोम हमने इसके अंदर इनबिल्ट किया हुआ है और कुछ भी लेग वेग नहीं करता है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, CPU के अंदर एक टेक्निकल है कि टेम फाइल नहीं रहे, सी ड्राइव में अपना डेटा सेव नहीं करना है। बस ये 2-3 चीज़ें आप कर लीजिए, आपकी कॉस्ट कटिंग वैसे ही हो जाएगी। और सर देख रहा हूँ कि ये स्मूथ भी बहुत चल रहा है, ये देख रहे हैं स्मूथनेस इसका। देखिए सर टच जो है ना, तो टच वास्तव में बहुत बेहतरीन टच है। और एक जो सर ने बताया कि अब इसका यूज़ कैसे, देखिए सबसे फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7:30 से 1:30 आप क्लासरूम चलाइए, ठीक है। आफ्टर 1:30 आपके स्कूल्स के जो टीचर है वो आप इसमें लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आप नए नए जो एक्सपेरिमेंट करते हैं आप उनको रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब पे डालिए, बच्चों के लिए एक प्रॉफिट होगा, स्कूल का भी एक नाम होता है, ठीक है। और अगर कोई वीडियो वायरल होगा, अगर जब तक पब्लिक के सामने आप क्या करवा रहे हैं वो जब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो आपको कैसे जानेंगे। और ऐसे मैं आपको बहुत सारे आपको एग्जांपल बता सकता हूँ यूट्यूब पे। फिजिक्स वाला अगर जैसे है, वो पहले सिर्फ फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट डाला करते थे, ठीक है। धीरे धीरे आप देखते हैं कितना बड़ा उन्होंने अपना एक एजुकेशन का एक सेटअप रेडी कर लिया है। तो स्टूडियो बनाना आप देखिए कि आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपके मन की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हमको स्टूडियो बनाना है। सेकंड, अगर आपको कोई लगता है कि ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपना कैमरा आप सामने सेट कीजिए, 4K पैनल आपके पास है, ठीक है, और आप स्टार्ट कीजिए, आप उसको रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब पर डाल दीजिए, तो आपका एक कॉन्टेंट का एक आपका कलेक्शन हो जाएगा पूरी लाइफ के लिए। राइट। और ऐसा हमने किया हुआ है, इंग्लिश कन्वर्सेशन का हमारा कॉन्टेंट था, ठीक है, वो टीचर का कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो गया, पर उनका सारा कंटेंट विद वीडियो हमारे पास आज दिन तक सेव है। तो कोई पीछे से अगर कोई टीचर आ रहा है तो उसको देख के वो अच्छे से स्टडी करा सकता है। दूसरा, आप बच्चों को जिस दिन हॉलिडे है उस दिन आप उसको शेयर कर दीजिए कि बेटा आज आपको ये देखना है, स्पेशली बड़ी क्लासेस में, क्या, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ी चीज, अगर कोई टीचर प्रिंसिपल देखना चाहे कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है तो वो रिकॉर्ड कर ले उस लेक्चर को, ठीक है, और फिर शाम के टाइम में देखे कि कहाँ कहाँ पे टीचर मिस्टेक कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए स्टूडियो के स्कूल के लिए बहुत बेनिफिट हर तरीके से हो सकता है, स्कूल मार्केटिंग में, स्कूल टीचिंग में, बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, मतलब काफ़ी इसके यूजेज हैं। हम आने वाले वीडियोज़ में इसके यूजेज आपको और भी बताएंगे कि स्कूल के लिए स्टूडियो क्यों जरूरी है। और इसमें देख रहा हूँ 3D 2D टूल्स सब चल रहे हैं, फिजिक्स का अगर हम बात करें यहाँ, ठीक है। तो अपने पास टाइम भी कम है क्योंकि सर का टाइम मैंने बहुत मुश्किल से लिया है,
तो ये मैं बताना चाहूँगा कि भैया OPS या सारी चीज़ें नहीं है सर, प्रैक्टिकल वे में यूज़ कर रहे हैं, 7 से 8 घंटा पर डे यूज़ करते हैं स्कूल में। मैं आपको बताना चाहूँगा 22 जनवरी 2018 से हम इसको यूज़ कर रहे हैं और आप इसका अगर अपडेट देखना चाहें तो नेट पे देख सकते हैं क्या। और अभी इस 22 जनवरी को हमको 5 ईयर हो जाएंगे और जितना मैंने अगर स्मार्ट इन्फोविजन का प्रोडक्ट यूज़ किया है क्या, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है क्या। आप निश्चिंत होकर आप प्रोडक्ट लीजिए और अगर आप विजिट भी करना चाहें तो राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से 60 किलोमीटर एक छोटा सा हमारा टाउन है फतेहनगर, आप आके लाइव देख सकते हैं क्या। और बाकी सारी चीज़ें हम हमारे स्कूल का चैनल है एरुडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग, उस पर आपको वैसे ही मिल जाएगी हम इसका कितना यूज़ करते हैं और काफ़ी चीज़ें। और हम जो मॉर्निंग से शाम तक बच्चों को पढ़ाते हैं आफ्टरनून तक, वो सारा के सारा PDF फॉर्मेट में पेरेंट्स के पास में जाता है, तो पेरेंट्स एक्टिव रहता है कि मेरे बच्चे को आज दिन में क्या पढ़ाया, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर, ये सब कुछ हुआ है। तो ये 4K पैनल और डिजिटल बोर्ड के कारण हुआ है और आने वाले टाइम में और भी हम इसमें चीज़ें इनोवेटिव करने वाले हैं जो कि हम आपको आगे के वीडियोज़ में शेयर करेंगे। जी थैंक यू सो मच सर। और अब बस वीडियो को एंड करते हैं, तो यही आपसे कहना है कि आप स्टेप लीजिए, लोगों के चक्कर मत पड़िए, क्योंकि लोगों को बेचना है अपना प्रोडक्ट, ठीक है। तो बहुत आसानी से सर को यूज़ करते हैं, पूरे टीचर यूज़ करते हैं और मैंने सोचा ब्लॉग आपके लिए बनाई लिया जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।